वो था पता सर बुद्धि कादी मतलब दौर होता है लोग नमाज जाते हैं बाहर की हमारे यहाँ नमाज की बड़ी मस्जिदों में तो पिछली बार क्या हुआ था लोग नमाजी के बदल पे ना वो है मिट्टी को डाल दिया गया था। खबर सीवर जिले से है जहां समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में होली पर्व एवं सबे बारात को लेकर विधि व्यवस्था सुदृढ़ को लेकर डीएम सज्जन राज शेखर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। डीएम ने सभी थाना अध्यक्ष एवं सीओ को निर्देश दिया कि अपने अपने क्षेत्र के संवेदनशील स्थान को चिन्हित कर जल्द रिपोर्ट करें। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि शरारती तत्वों के लोगों को नोटिस देकर उससे बॉन्ड भरवाए। डीएम ने कहा कि होलिका दहन के समय कभी कभी फूस की झोपड़ी जलावन सूखे हुए फसल में लोग आग लगा देते हैं, ऐसी जगह को अपने स्तर से चिन्हित करें। थाना अध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी अपने अपने क्षेत्र के कोचिंग संस्थान में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर शांतिपूर्ण वातावरण में होली बिताए, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों पर जिम्मेवारी सौंपे। शराब की आवाजाही को लेकर अपने क्षेत्र के सीमा में चेक पोस्ट बनाकर जाँच करे और उसका वीडियोग्राफी भी करवाए। होली में डीजे बजाना एवं अश्लील गानों का प्रयोग करने वाले लोगों पर होगी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए साइबर समूह अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। साथ ही डीएम ने आदेश निर्गत किया कि 21 मार्च तक किसी भी जिले के अधिकारी को छुट्टी नहीं मिलेगी, साथ ही सभी लोग मुख्यालय में बने रहेंगे। अगर मुख्यालय छोड़कर गायब है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार राय, उप विकास आयुक्त विनोद दुहन, अपर समाहर्ता शंभु सरन, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शंभु कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद इश्तियाक अली अंसारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना अध्यक्ष भी मौजूद थे। बीएनपी न्यूज के लिए सीवर से संवाददाता नवीन पांडे की रिपोर्ट। शांति समिति में इसमें विशेष करके क्या निर्देश दिया गया? ये शांति समिति बैठक हम लोग का 16 तारीख के लिए शेड्यूल्ड है। आज जो है जिला स्तरीय पदाधिकारी थाना के साथ बैठक हुई, जो होलिका दहन और शबी बारात जो संभावित तिथि है 18-19 तारीख मार्च का है, इसके संबंध में बैठक हुई। इसमें सभी थाना प्रभारी और मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया गया, उन लोगों को तैयारी मोड में रहना है। ज़्यादातर संख्या में जो न्यूसेंस एलिमेंट है इन लोगों को 107 के अंदर बॉन्ड करेगा। इसमें इस बार बॉन्ड जो हुआ है इन सबका सूची है, मीडिया को भी उपलब्ध करेगा, पब्लिक डोमेन में उपलब्ध किया जाएगा, तो इसलिए इसमें विशेष हम लोग निगरानी रख सकते हैं। हमारे पास जिला वासियों भी है सर, सरकार बाद सब लोग मना रहा है, तो इसमें कोविड के चलते तो पिछले 2 साल नहीं हुआ, इस बार तो अच्छा तरह से मना सकते हैं। हम लोग को ज़्यादा हम लोग ही रोकेंगे, पर लेकिन बहुत ख्याल रख के ख्याल रख करके आप लोग मनाना है, थोड़ा सा जिम्मेदार रूप में बनाना है। उस दिन शबी बारात है, हम लोग दूसरे दो समुदाय के भाईचारा के रूप में आप लोग करना है, दोनों रात में भी होता है। वो लोग अपना अपना समुदाय का जो पारंपरिक रूप में जो मनाता है उस तरह का मनाने देना है, किसी दूसरे को अनावश्यक तंग नहीं करना है, परेशान नहीं करना है। तो होली का जो रंग है जो इस तरह का जो एक अच्छे तरह से मनाना है, घर में ही मनाया जाए, किसी ज़्यादा बाहर नहीं निकले। इसका अनावश्यक पटाखा का मना है, डीजे नहीं बजाना है, कीचड़ नहीं फेंकना है, आग वगैरह नहीं लगाना है, ऐसा है। लाठी डंडा के साथ बाहर घूमना, सब पर कार्रवाई होगा, तुरंत उस पर डिटेन हो जाएगा, केस हो जाएगा। सर मजिस्ट्रेट तय किए गए फाइनल डिपुटेशन ऑर्डर निकलने के बाद सभी शांति समिति बैठक है, सभी थाना में होगा, कल परसों हर एक थाना में परसों प्रस्तावित है। शांति समिति बैठक के बाद हम लोग का जो फीडबैक आता है उसी आधार पर हम लोग फाइनल डिपुटेशन ऑर्डर निकलेगा, तो उसमें हम लोग संख्या आगे पीछे होगा। धन्यवाद।